अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई, ये लीजिए आपके ताजा ताजा 500 पान, जल्दी पैसे निकालिए। आगे बहुत काम है यार, बुट्टी रखी भी है और एक बराबर है ना, 150। एक दो तीन चार। अभी खोलेगा ये बातें, अभी खोलेगा ये राज। ये लो बल्लू यादव, आपका खर्चा ले लो, मुझे तेरे पैसे ही नहीं चाहिए रे। मगर मेरी साइकिल का मेरा काम नहीं चलता, आपको पैसे लेना ही पड़ेगा। तेरा साइकिल नहीं चाहिए, तेरा पैसा नहीं चाहिए, और तेरा कर्जा भी माफ कर दिया जाए। क्या हुआ रे? क्या बोले? मेरा पूरा कर्जा माफ कर दिए? सही सुना बेटा, अभी तू मेरा एक छोटा सा काम करना। क्या काम? बोलूंगा। अच्छा उल्लू बना दिया उसको। अरे सुन तो मेरी बात, अरे सुनना, अरे सुन, अरे सुन। अब क्या बोले, इतने छोटे छोटे बच्चे और इतने बड़े बड़े खेत, अपने से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। हम लोगों को लगा कि इसके लिए हमको भी कुछ करना चाहिए। आज के शहर में छोटे छोटे बच्चों के वास्ते दिलों के ऑपरेशन हो रहे हैं, इसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या करें, खुदा ने अपने गरीब बनाया। जरा गौर करो, अगर आपको पैसे का इतना ही शौक होता तो तुमको किडनैप करके 10,11,500 कैश क्यों मांगते चंदे के माफिक? अरे 4-5 करोड़ नहीं मांगते क्या? कल को अपना भी शादी होगा, 10-20 बच्चे होंगे, खुदा ना करे अगर उनके दिल में भी छेद हुए तो, और तुम्हारे बाप के पास पैसे नहीं हुए तो क्या करेंगे? क्या मैंने गलत करा? क्या तुम्हारे को पैसा बच्चों की जान से बढ़ के है? क्या तुम्हारे दिन ममता मां बनने के बाद जागेगी? क्या तुम हैं? कहां गई बुट्टी? और नहीं सुनना, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, I'm sorry। वैसे भी तुम फिक्र मत करो, कैसे भी करके तुमको पैसे रिटर्न कर देंगे। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, समझ लो कि तुम्हें एडवांस में दहेज मिल गया। अरे तुम कितनी अच्छी हो, कितनी भोली हो। चलो तुम्हें ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ से हम सबको देख सकते हैं, लेकिन अपने को कोई नहीं देख पाएगा। कहाँ? कान तो भी मर गए क्या? आए, ये वोटों की फौज मेरे इंतजार में है क्या? इन्हें बंडियों पे फाइनेंस देने वाला फाइनेंसर दिख रहा मेरे को। दाल रोटी खा पर किसी की भाड़ मत खा। ए पित्तल की अत्ती, जाता है खाता, जाना तो सारे भेज देती हूँ। गुल्लू निकलने यहाँ से। जाना तो सारे भेज देती हूँ। याद आ गया।